आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मुख्य अतिथि के इस पद को सुशोभित करते हुए अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे बीच में बैठे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, आपसे जब भी मुलाकात होती है हमेशा एक चीज़ सीखने को मिलती है कि आप बहुत जल्दी युवाओं के साथ उनकी जो फ्रिक्वेंसी है उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं, इसलिए एक अपनापन हमेशा आपसे लगता है। आज आपने जो बात बताई है, मेरे जो यहाँ युवा साथी हैं वो इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। आपने बताया कि पहाड़ की चोटी पर चढ़ना सरल हो सकता है, पर उस चोटी पर चढ़ने के बाद उस पर टिके रहने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। यह आपकी बात का जो निचोड़ है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री सर, मैं आपके लिए एक चीज़ पहले मेरी बात काट के कहना चाहूँगा। आपने जो जालौर का इंसिडेंट कोट किया है सर, मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ जो मेरे युवा साथी यहाँ बैठे हैं, जब भी आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो संवेदनशीलता से जुड़ी होती है, निश्चित तौर पे वो किसी न किसी दूसरे संवेदनशील इंसान के मन में रह जाती है। सर, आपके द्वारा बोली गई दो लाइनें शायद आपके 10 मिनट के उद्बोधन का हिस्सा है, पर आप यकीन कीजिएगा उस 2 मिनट में कही गई बात मेरे लिए जालौर के उस 2 साल 2.5 साल पहले के काम के लिए पीठ पर दी गई थपकी है सर, और उसको हम महसूस करते हैं। मैं सर के बारे में जैसा पहले बताया कि सर का भी एक हाल ही में जो निर्णय था, न जाने कितने लोगों की जो शायद मोबाइल चलाते वक्त लापरवाही से दुर्घटना कारित कर बैठते, उन लोगों की जान बचाएगा। सर, मैं उसके लिए भी एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं हमारे बीच में RPSC के चेयरमैन रहे सर, मैं आपको RPSC के चेयरमैन और बाकी जो पद हैं उनसे कोट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ हमारे बीच में जो तैयारी करने वाले साथी हैं और जो सिलेक्टेड हैं उनके बीच में आपका एक बड़ा नाम है। दरअसल तैयारी करने वाले के मन में रहता है कि वो गांव का है, शहर का है, अमीर है, गरीब है, छोटा बड़ा माध्यम, न जाने कितने और चीज़ें रहती हैं। जब आपने एक स्वस्थ परंपरा शुरू की थी कि इंटरव्यू देने वाले जो लोग हैं उनको आप बाहर बिठाते हैं, आप खुद आते थे, उनकी आशंकाओं को, उनकी उनकी जिज्ञासाओं को उनके साथ बैठकर जब सुनते थे, तो बाहर आने वाला एक ही चीज़ कहता था कि मेरा व्यवस्था पर भरोसा बड़ा है। और मेरा मानना है कि किसी इंसान से किसी इंस्टीट्यूशन पर भरोसा बढ़ जाए उससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती है। सर, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आज आपने जो लगभग 10 पॉइंट्स में अपनी बात कही है, निश्चित तौर पर हमारे साथियों के लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी, ऐसा मेरा यकीन है। मैं सर तक पहुँचने से पहले यहाँ मन संचालन के तौर पर, उद्घोषिका के तौर पर मैडम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सर की बात करना चाहूँगा। सर के लिए निश्चित तौर पर सभी ने बहुत कुछ कहा है। मुझे लगता है कि नवाचारी सोच, बहुत ही इनोवेशन के साथ नई नई चीज़ें लाना, मैनेजमेंट करना, और एक हार्मोनियस पर्सनैलिटी के जो 5 कंपोनेंट होते हैं, ये IAS की प्रिपरेशन में जब आप जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि इंटरव्यू में पूछ सकता है कि हार्मोनियस पर्सनैलिटी किसको कहते हैं। आप जानते हैं कि वो मेंटली स्टेबल होता है, मेंटली अलर्ट होता है, इमोशनली स्टेबल होता है, फिजिकली टफ होता है, कल्चरली बड़ा साउंड होता है, और सोशली बड़ा एफिशिएंट होता है। सर, इन 5 चीज़ों पे खरे उतरते हैं। मैं देखता हूँ कि बाहर हैं फिर भी किसी का भी फ़ोन आ जाता है, कितने भी बिजी क्यों नहीं हो उसको उठाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उससे बात करते हैं। सर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। हम में से ज़्यादातर लोग तो कई बार बहुत छोटी सी जिम्मेदारी पाने के बाद ज़मीन से 4 फीट ऊपर कर लेते हैं, और बहुत ऊंचे चलने वाले लोग अक्सर ठोकरें खाते हैं। वो निर्मल नाम के अनुरूप जो आपकी सोच है वो न जाने कितने युवा साथियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आपके द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं, यहाँ नहीं बैठे हुए बहुत सारे लोग जो आज इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं वो आपको निश्चित तौर पर इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। मैं पूर्व छात्र परिषद की तरफ से जितने भी यहाँ प्रणेश जी हमारे साथी बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप सबके बिहाफ पर मैं सर को, सर की पूरी टीम को बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने युवाओं को हमारे बीच में लाने का मौका दिया है। मलिक साहब, सिंह साहब, लालस जी, पूरी की पूरी वो टीम जिसने उत्कर्ष को ये नई ऊंचाइयाँ दी हैं, आप सबका नाम नहीं लेते हुए मैं समेकित तौर पर आपको भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा इस चीज़ के लिए।
इस पूरी टेक्निकल टीम जिसने इस व्यवस्था को वर्चुअल माध्यम से सारे लोगों तक पहुंचाया है, मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं यहां बैठे हुए माता पिता जिन्होंने, परिवार के अन्य लोग जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने निकटतम जो सदस्य यहां बैठा है उसकी सफलता पर जो खुशियां मिली हैं उसको साझा करने के लिए यहाँ आए हैं, अपना समय निकाल कर आए हैं, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे साथी जिन्होंने इस संदेश को दूर तक पहुँचाया है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, जो हमारे चयनित साथी जो अभी ट्रेनिंग में या किसी अन्य जगह पर मौजूद थे, वो समय निकाल कर अन्य तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए एक प्रेरणा के तौर पर यहाँ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जो सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जान पाएँ, सीख पाएँ, समझ पाएँ, उसके लिए भी ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया, बहुत छोटी छोटी चीज़, इस कार्ड को प्रिंट करने से लेकर यहाँ मंच के ऊपर लगी हुई प्रत्येक आदमी के नाम वाली नेम प्लेट लगाने तक, कौन मेडल लेकर आएगा उसका सिस्टम बनाने तक, छोटे छोटे कागज़ पर नाम लिखने वाले सब लोगों तक, आप सब लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम की सफलता में जिन्होंने योगदान दिया है, निश्चित तौर पर मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और उनको अभिनंदन देना चाहता हूँ। मैं फेसबुक का पेज वापस लौटाने के लिए हमारे जो दो साथी हैं, निश्चित तौर पे आपका भी विशेष इस अवसर पर आपको कोट करना चाहूँगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो साथी चयनित हुए हैं, मैं उनके लिए भी एक बात कहना चाहूँगा। मैं आप मेरी बात को, चूँकि मेरा समय बहुत कम है, मैं तीन चीज़ों में मेरी बात को समाप्त करूँगा। मैं सभी चयनित साथियों को ये कहूँगा कि आप कतार के अंत में जो व्यक्ति है, प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि आज भी आपको अचरज होगा, आज भी आपको अचरज होगा कि बहुत सारे लोग, छोटी छोटी चीज़ें, राशन कार्ड में मेरे बच्चे का नाम नहीं है, मुझे पेंशन मिलती थी, अंगूठा नहीं लगने से बंद हो गई है, या ऐसी छोटी छोटी दिक्कतों के लिए बाहर जब जूती उतार कर, चप्पल उतार कर आपके पास आते हैं और आपके और मेज के बीच की 2.5-3 फीट की दूरी को आप अपने अतीत का हिस्सा नहीं मानकर, याद रखकर, दूर बैठकर, बिना उसकी बात सुने जब उसको एक टका सा जवाब दे देते हैं, उसके मन में छवि बहुत बिगड़ जाती है। कृपया उन तक अपनी बात रखिएगा, उन तक जरूर अपनी बात रखिएगा, प्लीज। मैं माननीय न्यायाधीश महोदय कह रहे थे कि इंसान बनना ज्यादा जरूरी है, सर मैं उसी चीज को दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा बन जाना बहुत बड़ी बात है। किसी ने कोई चीज पा ली, बड़ा हो गया, बहुत बड़ा बन जाना बहुत बड़ी बात है, पर बहुत बड़ा बनकर भी छोटों जैसी जिंदगी जी लेना और उनके जैसा रह जाना, ये उससे भी बड़ी बात है। इसलिए हम वहां तक पहुंचेंगे, हम वहां तक काम करेंगे। संवेदनशीलता सब्जी की किसी भी दुकान पर या मेडिकल स्टोर में कैप्सूल की तरह नहीं मिलती है, ये पनपती है, पनपती है जब आसमान को देखने की ललक रखने वाले युवा फुटपाथ पर मौजूद जिंदगी के बारे में भी अपनी सोच को चिंता रखते हैं। इसलिए सब तरफ हमें ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि चयनित होने के पश्चात जो पूर्व की सारी चीज़ें हैं उनसे कटिएगा मत, उनसे जुड़ के रहिएगा। आपकी हॉबीज़ हैं, आप जो कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, आपको नृत्य पसंद है, गाना पसंद है, वो कीजिएगा। वो इसलिए कीजिएगा कि ये कंप्यूटर के कीबोर्ड का F5 बटन है, ये आपको ताज़ा रखेगा। हम अपनी पूरी ज़िंदगी में, मैं एक अच्छा पिता हूँ, अच्छा बेटा बन जाऊँ, अच्छा भाई बन जाऊँ, इन सारे पात्रों को निभाते हैं, पर अंदर का जो सेल्फ, अंदर का जितेंद्र, अंदर का भवानी, अंदर की जो चयनित लोग हैं जिनका मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो जब ख़त्म हो जाएगा तो आपकी ताजगी ख़त्म हो जाएगी। उस ताजगी को जिंदा रखिए। हम में से ज़्यादातर लोग तो उस ताजगी को तब पहचान पाते हैं जब ताजगी को ना तो वापस लाने का वक्त होता है, ना ज़िंदगी में कुछ नया करने का समय आ पाता है। इसलिए उसको बना के रखिएगा। तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जब हम चयनित हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, मालाएं, साफा, आप बहुत बड़े हो गए हैं, आप काम करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तारीफ़ में लोग कहते हैं, साहब जैसा काम आप कर रहे हैं ऐसा कोई नहीं कर पाया आज तक। आप ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें आपको दुखी करेंगी, आप तारीफ और खुशामद में क्या पसंद करते हैं ये आपको चुनना है। एक आदमी के काम के लिए जब कुछ कहा जाए और आपको ताकत मिले तो वो तारीफ है, और काम के आदमी के लिए कुछ कहा जाए तो वो खुशामद है। इसके फर्क को तलाश कीजिएगा और फिर काम कीजिएगा। जो तैयारी करने वाले युवा हैं, मैं उनको भी एक बात कहना चाहूँगा कि आपके बीच में जो चयनित हुए हैं ये अलग हैं, अलग की पहचान जल्दी बनती है,
सर के पास 350 इंटर्नशिप के लिए फॉर्म आए थे टाइम से, उसका जिक्र नहीं किया है। उस लड़की का जिक्र किया है जो इस झील के साथ, इस पैशन के साथ, इसका बोलना, देखना, उठना वो कुछ अलग है। और जब तक आप अलग के लिए अपनी अपनी कोशिशें और अपना पसीना नहीं बहाएंगे, आपको कोई याद नहीं रखेगा। फुर्सत नहीं है किसी के पास वास्तव में। धरती का पहले चक्कर किसने काटा याद रखेंगे, चांद पर पहले कौन गया याद रखेंगे, एवरेस्ट पर पहले कौन पहुंचा याद रखेंगे, लेकिन 29वीं बार, 28वीं बार, 54वीं बार, 1008वीं बार कौन गया, वक्त नहीं है। इसलिए अपना पूरा समर्पण लगा दीजिएगा। और बेकार की वो बातें जो आपके दिमाग में डाल दी जाती हैं कुछ नकारात्मक लोगों के द्वारा, ये कहते हुए कि आजकल कुछ हो नहीं सकता, हम तो गरीब हैं, जो गरीबी का रोना रोते हैं, उन्होंने अगर सर की बात सुनी होगी तो निश्चित तौर पर उनको ताकत मिली होगी। इसलिए तमाम प्रतिरोधों के से लड़कर सामने आइएगा। जिंदगी में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग अगर कुछ करके दिखाते हैं तो उस कामयाबी में मजा नहीं है। अगर आपको ठोकरें मिले और फिर आप निकल के दिखाते हो, आपका बोलना, आपका उठना, आपका देखना, सामने वाले को लगता है कि आदमी बिल्कुल तप कर आया है, तो तप कर आने जैसी योग्यता निकाल के लाइएगा और खूब आगे बढ़िएगा। मैं इस पूरे प्रोग्राम को जितने भी हमारे साथी सुन रहे हैं, देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, मैं उनको भी एक चीज़ कहना चाहूँगा। यहाँ यह एक सीमित परिसर में बैठे हुए लोगों तक हम बंधे नहीं हैं। उत्कर्ष का मतलब जीवन का उत्थान है, और आप उस उत्थान के लिए हमसे कभी भी किसी भी रूप में जुड़ना चाहें, हमारे साथ आना चाहें, तो हम सदैव तत्पर हैं। यह मैं पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष के नाते और मेरी पूरी साथियों की उनकी बदौलत मैं ये कह पा रहा हूँ। निश्चित तौर पर आप इसको समझिएगा। मैं मेरी बात को ख़त्म करूँ उससे पहले, इस कार्यक्रम में आए हुए समस्त लोगों का फिर से बहुत अभिनंदन। आपकी उपस्थिति हमारी ताकत है, आपकी उपस्थिति ही निर्मल को निर्मलता से उत्कर्ष तक का सफर तय कराती है। थैंक यू।